हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अब एक ऐसा चैप्टर लेते हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। सर क्या नाम है उसका? कैपिटल बजटिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कैपिटल बजटिंग ना किया हो, चाहे आपका आईपीसीसी हो चाहे सीए इंटर हो। अच्छा एक बात और कि कैपिटल बजटिंग यहां से हटा दिया गया है सीए फाइनल से और कहां डाल दिया है सीए इंटर में। हाँ पर ओल्ड सिलेबस वालों को तो कैपिटल बजटिंग पढ़नी। सर कैपिटल बजटिंग होता क्या? और हम लोगों को मान के चलो कि कुछ भी याद नहीं, आप इस तरह से क्या करवा सकते हो? मैं इसी तरह से करवाऊंगा कि आप लोगों को कुछ याद नहीं है। तो पहले लिख तो ले, चैप्टर का नाम लिखोगे कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो करेंगे बेसिक्स। सर बेसिक्स का मतलब ये हुआ कि मैं आपको याद दिलाऊंगा कि क्या होता था, एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते थे, और उस पे क्वेश्चंस भी है हमारे पास। और क्वेश्चंस जो है ना वो प्रैक्टिस मैनुअल के सीए फाइनल का, तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन। सर ये भी था क्या सीए इंटर में? हां बेटे हां, ये भी आपके सीए इंटर में था या आईपीसीसी में था। हमारे यहां भी है, सीए फाइनल में भी है और प्रैक्टिस मैनुअल में भी क्वेश्चन है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इन कैपिटलिस्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। सर ये क्या चीज है? बेटे एक बात बताओ, कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या है? कैपिटल बजटिंग है कि यार हमको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आज कोई बिजनेस करना है, और उससे जो पैसा आने वाला है वो पैसा आने वाला फ्यूचर में। आपको कैसे पता कि फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है? सर अनुमान लगाते हैं। यस एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन किसको देखकर लगाते हैं? यही कि यार पास्ट में जो हुआ है वही फ्यूचर में होगा। सर पास्ट में तो हमारा बिजनेस था ही नहीं, किसी और का बिजनेस हम सोच तो सकते हैं ना। क्या एक बात बताओ बेटे, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला? हाँ ये तो बात पक्की है। तो हम वही अनुमान लगाएंगे। अनुमान किसको देखकर लगाना पड़ेगा? आपको दूसरे के बिजनेस को देखकर लगाना पड़ेगा। अगर मैं क्लासेस में कोचिंग चला रहा हूं, आप कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, या दुनिया में कोई भी आदमी बिजनेस करता है, किसी भी जगह पैसा लगाता तो पक्का उसको यकीन रहता कहीं ना कहीं कि पैसा आएगा, और इस तरह से पैसा आएगा तभी तो वो बिजनेस में हाथ डालता है, तो वो बिजनेस करेगा ही क्यों। हाँ लेकिन सर्टेनिटी नहीं होती, कहीं ना कहीं रिस्क छुपा हुआ है, और वही पढ़ना में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ये हमारे सीए फाइनल, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। फिर एक टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा टॉपिक है। सर ये क्या होता है इसके विषय में? बेटे इसके विषय में वक्त आने पे मैं आपको समझा दूंगा, चिंता वाली बात। इसके बाद पढ़ेंगे हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? हम जरूर पैसे लगा देते प्रोजेक्ट में, जरूर सोच लेते कि इतना सेल्स होगा भाई भैया, इतने रुपए का हम मटेरियल खरीदेंगे आज को देखते हुए, लेकिन सोचो
जो आप अनुमान लगा रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन भी तो एक फैक्टर है। आज जो 10 रुपए की चीज मिल रही है, आज से 4 साल बाद वो 10 की नहीं मिलेगी, तो वो भी तो चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग में। यस, तो इन 5 पार्ट में हम पूरे कैपिटल बजटिंग को डिवाइड कर देते हैं। और ये 2 में दिक्कत नहीं, ये पूरा की पूरा सी ये मत समझो ना कि ये 5 पॉइंट, इसके अंदर डिसीजन ट्री है, इसके अंदर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, इसके अंदर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट है, बहुत कुछ। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? बेसिक्स, फिर रिप्लेसमेंट। हालांकि ये हमारे आईपीसीसी का है तो हमको ज्यादा समस्या नहीं आनी है, पर फिर भी मैं ये मान के चलूं कि आपने आईपीसीसी में कैपिटल बजटिंग पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा है पर भूल गया। ठीक है जी, चलो जी, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स से। तो अब पहला पार्ट कर लेते हैं, क्या? बेसिक क्यों करवा रहा हूं? आईपीसीसी याद दिलाऊंगा बेसिक में, उसके बाद से हमारी क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले बेसिक्स पार्ट नंबर 1, और कैपिटल वेस्टिंग है क्या चीज, हमको ये समझना है। तो हम लोगों ने, हमें किस मैटर पे बात हो रही है? हमें बात करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कि आपके पास प्रपोजल है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग के अंदर में बेसिकली हमें कुछ मेथड्स पढ़ना है। पहली जो मेथड पढ़ना है उसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम आगे से क्या बोलेंगे? एनपीवी। सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन। दूसरा जो मेथड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI, एक दो क्वेश्चन इसके भी है। और जो तीसरा मेथड है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जिसको हम बोलेंगे IRR। तो हम लोगों को CA फाइनल लेवल पे 3 मेथड पे ज्यादा फोकस करना है। सर कैपिटल बजटिंग में तो और भी तो मेथड होती थी, जैसे ARR हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड हो गया, डिस्काउंटिंग पेबैक। हाँ बेटे, बहुत बड़ी सारी मेथड्स होती थी। कैपिटल रेशनिंग हो गया, वो भी एक तरीका था, वो कब कुछ नहीं है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसी के बेसिस पे हम सारा काम करने वाले, एनपीवी के बेसिस पे। अब मैं, मुझे ऐसा लगता है एनपीवी मालूम है, पर फिर भी होता है कभी कभी कैश फ्लो में निकालने में दिक्कत होती है, कभी कैपिटल गेन। तो मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बेसिक समझा देता हूं। हालांकि आपको पता भी होगा तो भी प्लीज आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करें? हाँ सर। तो हमें 3 मेथड्स पढ़ना है, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाने, उसके बाद फिर हमारा काम स्टार्ट है। तो पहला लिखोगे फर्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेसिक्स के अंदर चल रहा है। फर्स्ट एनपीवी, बचपन बीत गया सर एनपीवी निकालते निकालते। हाँ यार, हाँ, पूरा आईपीसीसी एफएम में एनपीवी ही तो निकालते थे हम लोग कैपिटल बजटिंग, बाकी और काम क्या किया, पर फिर भी लिख लो बेटे। हो गया एनपीवी, एनपीवी है इस
success of present voice. Of cash inflow over present value of cash inflow. Simple see definition. अगर मैं एनपीवी की डेफिनेशन फॉर्मूला में लिखूं तो सीधा पीवीसीआई माइनस पीवीसी, ठीक है सर। चलो जी, अब मैं थोड़ी थोड़ी बात आपसे करता हूं एग्जांपल के थ्रू। तो लिखोगे एग्जांपल नंबर वन, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक लाख, लाइफ थ्री इयर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पर है ना, एस कैश इनफ्लो ईयर वन टू थ्री, पहले आएगा 60,000, फिर 70,000 और 50,000। टर्मिनल वैल्यू थर्ड ईयर में, सर ये टर्मिनल वैल्यू क्या होगा बेटे? प्रोजेक्ट कितने साल तक चलेगा? 3 साल तक। तो भाई 3 साल तक जो आ रहा आएगा, साथ में प्रोजेक्ट टर्मिनेट करोगे, बंद करोगे, तो वो जो स्क्रैप बचेगा ना उसको बेचोगे, तो उससे भी तो पैसा आएगा 15,000। तो इसको सर आप इनडायरेक्टली साल्वेज वैल्यू भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने टर्मिनल वैल्यू लिखा क्योंकि अक्सर इसका यूज हो जाता है। कैलकुलेट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है क्या नहीं है मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए आप मुझे बेसिक ऑफ फाइनेंस की क्लास देख लीजिए। तो दो तरीके हैं एनपीवी निकालने के लिए, पहला तरीका एक लाइन में, दूसरा टेबल में। सर तो कैसे करना बेटे? दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं और एक लाइन में। सर पहले प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, हम टेबल के थ्रू करते हैं। बिल्कुल सर, टेबल कैसा नहीं है? इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनपी, ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट? 10% अमाउंट प्रेजेंट। याद रखना ये टेबल आपको हमेशा काम आएगी, इसलिए प्लीज इसको नोट कर लेना। सबसे पहले लिखा जाएगा कैश आउटफ्लोस, और इसमें आएगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पैसा कब लग रहा है? आज वन, कितना पैसा? 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा टोटल ऑफ ए, बी
कैश इनफ्लोस, और कैश इनफ्लोस में एक्चुअल में लिखा जाता सी एफ ए टी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सर ये क्या चक्कर है बेटे, ये समझाऊंगा, ये मुझे समझाना है। और ये मैंने जो दे रखा ना आपको सी एफ ए टी दे रखा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, पहले साल आएगा, दूसरे साल आएगा, तीसरे साल आएगा। पहले साल कितना आएगा, 70,000 नहीं 60,000। दूसरे साल कितना आएगा, 70,000। और तीसरे साल कितना आएगा, 50। मैं जोड़ के भी लिख सकता हूं, मैं अलग अलग बता। और साथ में प्रोजेक्ट को अगर हम टर्मिनेट करें तो जो मिलेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू थर्ड ईयर में, और ये कितना मिलेगा, 15,000। दिस इज कैश इनफ्लोस। फैक्टर निकालना आपको आता है, ज्यादा दिक्कत तो मेरी पहली क्लास देखोगे, 1/1.5। सर कितने डिजिट में लेना, 4 डिजिट, 0.9091। अल्टरनेटिव आप 3 डिजिट में भी ले सकते, पर मैं 4 में करूंगा सारा क्वेश्चन। 60,000 × 0.9091 तो ये आ गया 54546। 70,000 × 0.8064 ये आया 57848। 50,000 × 0.7513 ये 37565 एंड 15,000 × 0.7513 टोटल पीवीसी आई कितना, 54546 प्लस 57848 प्लस 37565 प्लस 11269 तो ये आ गए बेटे 161228। This is B. तो NPV कैसे आता है, NPV आता है B माइनस A, दिस इज कैश इनफ्लो माइनस कैश आउट, तो आ गया 61228। अब एक बात बताओ, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। सर NPV है और NPV पॉजिटिव है, जितना हमने लगाया है उससे ज्यादा आ रहा है, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट। इट मीन्स NPV डिसीजन क्या बोलता है, अगर NPV पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो। पर आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल का मतलब है कि दो मशीन है, दो प्रोजेक्ट है, दोनों में से किसी एक जगह पैसा लगाना है, तो कैसे डिसाइड करते सर, तो दोनों में एनपीवी जिसमें हायर होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, तो सीधी सीधी बात है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। काम की चीज क्या है, काम की चीज है मुझे आपको दो चीजों पे प्रैक्टिस करवाना है, एक सीएफएटी कैसे निकाला जाता है और एक टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इन दो चीजों पे प्रैक्टिस होगी तो मेरा काम ठीक है जी। सर ये तो टेबल वाला फॉर्मेट हो गया, आप और एक शॉर्टकट बता रहे थे। हाँ बेटे, अक्सर मैं इसके अलावा भी और एक तरीके से एनपीवी निकाल सकता हूं, एक लाइन में एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीआई। पहले साल कितना आ रहा, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 माइनस कितना कर दोगे, 1,00,000। आंसर आ जाएगा, ये भी अच्छा मेथड है, इसमें टेबल नहीं लगेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये कहां सिखाया हूं मैंने, बेसिक ऑफ फाइनेंस। 60,000 / 1.10 = m+ 70,000 दो बार इक्वल टू m+ 50,000 1, 2, 3 m+ 15,000
एक दो तीन एम प्लस एम आर सी माइनस एक का, तो ये आ गया 6 1 2 3। थोड़ा सा अंतर आएगा, क्यों? क्योंकि यहां मैंने राउंड ऑफ कर रखा और यहां पूरा पूरा एक्यूरेसी के साथ किया। सर हमें करना कैसे है, डिपेंड करता कि नंबर कितने का क्वेश्चन है, डिपेंड करता क्या फैक्टर दिया हुआ। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप इसको यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते, फैक्टर दिया तो फैक्टर ही यूज करोगे, हाँ फैक्टर नहीं दिया तो आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है सर, एनपीवी तो सर हमको पहले से आता है, अभी काम की बात हमारी ये निकली कि प्रोजेक्ट कब एक्सेप्ट करे, जब एनपीवी पॉजिटिव है। अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट का मतलब एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जिसका एनपीवी ज्यादा होगा एक्सेप्ट करेंगे। और एक चीज हमको सीखना है, सीएफएटी कैसे निकाला जाता है और टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसी एग्जाम्पल के बाद आप लिखोगे नोट, डिसीजन क्राइटेरिया करके, अगर इंडिपेंडेंट प्रपोजल है तो एनपीवी शुड बी पॉजिटिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हायर एनपीवी should be accepted। ठीक है, चलो जी सर, ठीक है सर, एनपीवी तो हमको आता है, कोई इश्यू नहीं होना है एनपीवी। यस, अब हेडिंग डालूंगी, एनपीवी के अंदर ही हेडिंग चलेगी। हाउ टू कैलकुलेट इट, कैश फ्लोस After tax, जिसको हम बोलते हैं CFAT। CFAT कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो सुनना ध्यान से बेटे, इसका मैं पर्टिकुलर फॉर्मेट ले रहा हूं, फिर फॉर्मेट फॉर्मेट अल्टरनेटिव वन, CFBT दिया है। सर CFBT कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, समझाऊंगा CFBT क्या होता है, नहीं माइनस होगा डेप्रिसिएशन, तो यहां जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस होगा टैक्स, तो यहां आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस होगा डेप्रिसिएशन, तो जो आएगा
उसका नाम रहेगा CF8। दूसरा CFBT माइनस होगा डेप्रिसिएशन, तो यहां जाएगा PBT। फिर लिखोगे टैक्स, CFBT को 1 मानोगे, टैक्स को 2 मानोगे, सीधा जाएगा CFAT 1-2। यही वाला फॉलो करें। चलो जी, लॉजिक समझने की कोशिश करते, आराम से समझते कि क्या है आखिर CFAT। हम जो डिस्काउंटिंग करते ना एनपीवी के लिए, कैश फ्लो बोलते, कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, कैश फ्लो का मतलब होता कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स। क्या चक्कर है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझ रहा हूं। ये जैसे आपका पीएनएल अकाउंट है, यहां इनकम, यहां एक्सपेंसेस, और टैक्स भी माइनस किया तो जो आ गया वो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं टैक्स माइनस ना करूं तो इसको क्या बोलूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया है, डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस ना करूं या इसी में एड कर तो इसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, इसको नाम दिया जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स का बेसिक मीनिंग क्या है अगर देखा जाए तो, सर कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब हो गया ऐसा प्रॉफिट, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ और टैक्स भी माइनस नहीं हुआ। ठीक है, अब सुनोगे, CFBT मान लो है 120,000, ओके, डेप्रिसिएशन है मान लो 40,000 और टैक्स का रेट है मान लो 40%। ध्यान से समझना मेरी बात, जो बोलने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या माइनस नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ क्या, नहीं, टैक्स माइनस हुआ क्या, नहीं। तो बताओ बेटे इसमें क्या ये मेरे लिए, ये मेरे कंपनी का कैश बचा रहेगा, नहीं। क्या इसमें से किसी और को भी पैसे देना है, देना है। क्या इसमें से और भी खर्चे माइनस होने हैं, जी हाँ। क्या क्या माइनस होना है, सर डेप्रिसिएशन माइनस होना और टैक्स माइनस होना है, एग्जैक्टली। पर अब एक बात सुनो, कैपिटल बजटिंग जब भी करोगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे। सर क्यों नहीं करेंगे, वजह बताओ बेटे, मैं बता रहा हूं, वह जब रुक के डेप्रिसिएशन अभी इतना समझ लो कि वो कैश में नहीं जाता, इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस कभी नहीं करेंगे। अच्छा, और सर टैक्स, टैक्स तो देना ही पड़ता, टैक्स तो माइनस करेंगे, ओके ठीक है सर, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है आप बोल रहे, इसलिए आप समझाओगे कि क्यों माइनस नहीं कर रहे, बिल्कुल है तो एक्सपेंसिस तो माइनस क्यों नहीं करवा रहे, हाँ वो मैं आपको समझा दूंगा कि मैं माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं। अभी बस इतना बताओ कि टैक्स माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। टैक्स किसका, सर टैक्स इसका बेटे, 120,000 पे टैक्स नहीं निकलता, टैक्स निकलता प्रॉफिट पर। और इनकम टैक्स वाले बोलते कि साहब आप डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए और टैक्स निकालिए, ओहो बड़ी समस्या है, 40% बताइए किसका निकालो, 120 का निकाल नहीं सकता, मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और वो जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो सर फिर एक ही तरीका बचा है, डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, टैक्स निकाल लीजिए और फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर लेना। हाँ बेटे, अब सुनना सुनना, मैं कैसे निकालू, CFBT में से क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। क्यों माइनस कर रहा हूं सर, मजबूरी है, ओके तो कितना माइनस कर दिया, 40,000। क्या मजबूरी है कि आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, क्योंकि मुझे टैक्स का फिगर पता करना है, तो बोलो कितना आ गया, 80,000। इसका नाम क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या टैक्स ले लेते हैं, कितना परसेंट, 40%, तो ये आ गया 32,000। अब जो आएगा वो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
80,000 - 32,000 तो ये आ गया 48,000। पर एक गलती हो गई, टैक्स का फिगर पता करके माइनस तो कर दिया, लेकिन इस चक्कर में आपने क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। अब उस गलती को मैं ठीक कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, एड बैक 32,000। अब जो आएगा उसका नाम रहेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, इसलिए तो मैं कैश फ्लो बोल रहा हूं, पर टैक्स माइनस हो चुका है। तो 48,000 + 32,000 ये कितना आ गया, 80,000। किस्मत से ये 32,000 आ गए। ठीक ठीक है सर, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, सीएफबीटी प्रॉपर लिखोगे 120,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे क्योंकि मुझे टैक्स का फिगर चाहिए, 80,000। पीबीटी टैक्स कितना आ गया, 32,000। अब सवाल ये है कि क्यों टाइम पास करें, आपको समस्या क्या थी, टैक्स का फिगर, और टैक्स का फिगर तो मिल गया है, तो क्यों ना इसको ले लो 1 और इसको ले लीजिए 2 और सीधा सी एफ ए टी निकाल लेते हैं 1 - 2। आंसर आ जाएगा 120,000 टैक्स के साथ ऊपर वाला 40,000 है भाई, डेप्रिसिएशन यहां गलती हो गई थी, ये आ गए 88,000। ठीक है, तो 120,000 - 32,000 तो आंसर आ जाएगा 88,000। ठीक है जी, ओके सर, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, ये मैंने आपको फॉर्मेट में लिख रहा है। अल्टरनेटिव वन, आप डेप्रिसिएशन माइनस करके डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टैक्स का फिगर चाहिए। तो अल्टरनेटिव टू बोलता है जब टैक्स निकल गया, पता लग गया, तो सीधा इसमें से टैक्स ही माइनस करो, आंसर आ जाएगा सीएफटी। मैं कौन सा फॉलो करूंगा, नहीं ये फॉलो करूंगा। ठीक है, अब सवाल बस इतना सर, सारी बात समझ में आ रही है, एक ही सवाल है कि आप डेप्रिसिएशन माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। कुछ सवालों का जवाब चाहिए। डेप्रिसिएशन होता क्या है सर, वो एसेट जो है वो खराब होती रहती है, रिपेयर, सब बेकार की बात है। अगर हम 2,00,000 की मशीनरी खरीदते हैं, तो हम उस 2,00,000 जब आपका पैसा खर्चा हुआ है, तो उसको सीधा पीएनएल अकाउंट में लिखते हो कि बैलेंस शीट में लिखते हो? सर बैलेंस शीट में, क्यों नहीं लिखते हो आखिर पीएनएल अकाउंट में? सर क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जैक्टली, मैं आपसे बोल, वो एक्सपेंडिचर है, पर उस 2,00,000 को एक साथ नहीं लिखते हो पीएनएल अकाउंट में, धीरे धीरे करके लिखते हो, उसी का नाम आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। ठीक है यहां तक, ओके सर, अब सुनो मेरी बात को ठीक से समझना, देखना चाहता हूं कितना दिमाग चलता। मैंने ना एक रूम लिया रेंट पर, आंसर देना मेरा सही कैलकुलेशन है कि गलत, रूम लिया है रेंट पर, ओके सर, 5 महीनों के लिए, 5 months, और टोटल मिलाकर रेंट आ रहा है 50,000। अब वो रेंट है ना, मुझे आज देना, 1 साल बाद, 6 महीने बाद देना, मानकर 5 महीने बाद देना रेंट, ओके, तो 5 महीने बाद रेंट देना, कितना देना, 50,000। मैंने कहा ठीक है, मैंने सामने वाले ओनर से बात किया, ठीक है भैया 5 महीने बाद 50,000 मुझसे ले जाना। अब हर साल मेरा जो हर महीने कमाई हुई 12,000 रुपए की, 12,000 बहुत खुश हूं, पर मैंने कहा 12,000 रुपए आए, लेकिन रेंट भी तो देना पड़ेगा, रेंट तो टोटल मिलाकर कितना देना पड़ेगा, 50,000। तो मैं सोच रहा हूं यार, उस हिसाब से हर महीने का रेंट कितना हो गया, 10,000। तो मैंने वो माइनस कर दिया 10,000 का रेंट, 10,000 - 10,000 - 10,000, तो हर महीने प्रॉफिट कितना कमाया, 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 और 2,000, ये बचा लिया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। मैं बहुत खुश हूं, 5वें माह के अंत में मेरे पास 10,000 रुपए बचा। और फिर याद आया, भाई रेंट भी तो देना है 5 माह बाद, याद है 5 माह बाद एक साथ,
ओहो, मैंने कहा यार ये 50,000 भी तो माइनस करना पड़ेगा भाई, ये तो माइनस करने का भूल गया हूं। और मेरा तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 40,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल गड़बड़ काम हो गया यार, 40,000 का। सर आप बेवकूफी कर रहे हो। सर किस बात की बेवकूफी? सर ये तो माइनस कर रहे हो ना रेंट, और फिर वापस रेंट माइनस कर रहे हो, बस यही तो बात है। अब समझने की कोशिश करो, आप एनपीवी निकालते समय कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, हाँ, और उसमें से माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ मशीन। और डेप्रिसिएशन क्या है भाई? सर वो मशीन का कॉस्ट ही तो है, धीरे धीरे। तो आप एक ही चीज को दो दो जगह कैसे माइनस कर सकते हो? सोचो सोचो सोचो। अब डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हो और आप उसका कॉस्ट भी माइनस करते हो, तो बेवकूफी है ये। आप भाई एक ही जगह माइनस कीजिए ना, और वो जब खर्चा पैट कर रहे हो तब माइनस कीजिए, सीधी सीधी बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है भाई आप मशीन का खर्चा धीरे धीरे करके माइनस नहीं करोगे, जिस दिन मशीनरी खरीद रहे हो उसी दिन माइनस करोगे। इसलिए डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, मशीन की जो कीमत है वही एक्सपेंसेस है, और उसको हम यहां दिखा देते हैं एनपीवी निकालते समय। यहां तक बात समझ में है? और नहीं भी आई तो याद कर लेना, ठीक दिया है आईपीसीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है सर, सीएफएटी तो आ गए हमको, हम ये वाला स्टेप्स फॉलो करेंगे। एक दो क्वेश्चन हो जाए, एक दो एग्जाम्पल हो जाए, तो सीएफएटी में भी हम एक्सपर्ट हो जाए। जी सर, क्योंकि सीएफ दो ही चीज तो है बेटे समझ लीजिए, एक कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एनपीवी तो कर ही लोगे, और एक क्या चीज सीखना है हमको, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सीखना है। इसके अलावा हम लोगों को सीखना है टर्मिनल वैल्यू। उसमें बड़ी दिक्कत होती है यार, बच्चों को पता नहीं, तो ध्यान से नहीं पढ़ते ऐसा। एग्जाम्पल तैयार हो? जी सर, पहले सिंपल क्वेश्चन, सी एफ बी टी दिया है 80,000, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,10,000, सॉल्वेंस वैल्यू है 10,000, और मशीन का लाइफ है 10 साल। टैक्स का रेट 30%, सीएफएटी निकालना। तो सुनो, सी एफ बी टी 80,000 माइनस क्या करना है? डेप्रिसिएशन। क्यों करना है डेप्रिसिएशन माइनस? मजबूरी है, क्योंकि टैक्स का फिगर चाहिए मुझे। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड, कुछ ना दिया है, कोई रेट नहीं दिया, तो एसएलएम मेथड। और एसएलएम मेथड से कैसे करते हैं? 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, और लाइफ कितना है 10 साल। तो सर ये 10,000 आ गया, तो ये जो आया इसका नाम क्या रहेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 70,000 टैक्स, टैक्स का रेट कितना है जी? 30%, तो ये आ गया 21,000, ये 1 और ये 2, तो सीधा जाएगा सी एफ ए टी 1 माइनस 2। आंसर आ गया 59,000। सिंपल, ठीक। लिखोगे अगला एग्जाम्पल, सी एफ बी टी 75,000, ठीक है सर। आगे कॉस्ट ऑफ मशीन 1,10,000, सॉल्वेस 10,000,
rate of depreciation 20% per annum. SLF tax 40%. CFAT question. बना रहे हो? CFBT 75,000 माइनस क्या होगा? सर 1,10,000 माइनस 10,000 इंटू 20% बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, चाहे एसएलएम मेथड चाहे डब्ल्यूडीबी, अगर रेट दिया है तो डेप्रिसिएशन निकालते समय सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं करोगे, क्योंकि सीए फाउंडेशन में या सीपीटी में पढ़ा हुआ है कि रेट जो है ना वो सबको कंसिडर करके निकाला जाता है। इट मीन्स रेट दिया है तो डेप्रिसिएशन निकालते समय सैलवेज माइनस नहीं हुआ। 1,10,000 का सीधा कितना परसेंट? 20%। तो ये सीधा आ गया 20,000। अब क्या हो जाएगा इधर? ये जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? पीबीटी 75,000 माइनस 23,000। टैक्स का रेट कितना है जी? 40%। 21,200। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो सीएफटी आ जाएगा 1 माइनस 2, 75,000 माइनस 21,200, 53,800। ठीक है सर, तो इसमें खास बात क्या थी? इस क्वेश्चन में खास बात थी कि अगर सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन निकालते समय, सॉरी रेट दिया तो डेप्रिसिएशन निकालते थे, सॉल्वेंस वैल्यू को माइनस नहीं करो। सर एक क्वेश्चन हम करके बताए। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन आप करके बताओ, मैं भी तो देखूं कितना कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मशीन एक लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% पर एनम, कौन सा मेथड ले लो? एसएलएम मेथड। टैक्स का रेट 30%। सीएफबीटी फर्स्ट ईयर का दे रहा हूं मैं, मुझे फर्स्ट ईयर से मतलब है, बाकी और भी ईयर होगी मतलब नहीं, फर्स्ट ईयर का 15,000। सीएफएटी क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? हाँ सर, सोचते सीएफबीटी 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,00,000 का 25%, 25,000 रुपए। सर ये तो लॉस दिख रहा है। यस, 15,000 माइनस 25,000, तो अब आ गया ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में, कितना रुपए माइनस आ गया? 10,000। क्या करे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब लॉस माइनस में है बस, क्या करे बेटे? जरा सोच के बताओ। सर अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यस yes. अगर हमको लॉस हो रहा है तो क्या इनकम टैक्स वाला हमको देगा पैसे? सवाल ही पैदा नहीं। तो सर तो फिर ये तो यहां कुछ भी नहीं करेंगे बेटे, होगा ना? अब सुनो, मैं आपसे एक बात बोलूं, हमेशा हम ये एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन किस बात के? एजम्पशन कि हमारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं
और इस प्रोजेक्ट में जो लॉस हुआ है उसको किसी और प्रॉफिट से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको अच्छे से। मान के चलो कि किसी प्रोजेक्ट में हमें 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है और उस 50,000 पे हम 30% टैक्स देते हैं, दैट इज 15,000 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन लॉस होने की वजह से 50,000 का प्रॉफिट तो है उस प्रोजेक्ट से पर 10,000 हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो फिर प्रॉफिट कितना दिखाई देगा? 40,000, और 40,000 का 30% ही टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 12,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस लॉस की वजह से मेरा टैक्स बचेगा। पहले पैसा कितना जा रहा था? 15,000, अब कितना जाएगा? 12,000, तो कितने का पैसा बचेगा? 3,000 रुपए। और कॉस्टिंग में एक शब्द यूज किया होगा, पैसों का ना जाना, पैसों का ना जाना भी आने के बराबर होता है, तो 3,000 रुपए में हजार सेविंग्स। तो सर ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, यही ऐड कर देंगे बस लॉस है तो मैं क्या नाम लूंगा, टैक्स सेविंग्स। कितना? 3,000। ये टैक्स ब्रैकेट में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब सीएफईटी कितना है? अब की बार ये है 1 और ये है 2, दिख रहा है 1+2 कर सकते हो, 15 और 3 18,000 आ जाएगा सीएफईटी। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई है तो हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना आने लगा। बिल्कुल, एक एग्जांपल और ले रहा है बड़ा वाला और फिर हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और वो क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ मशीन, ₹4,00,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% पर एनम, डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, WDV मेथड में क्या होता था, बचा, फिर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन, इस तरह से अलग अलग डेप्रिसिएशन। सर लाइफ भी बताइए, तो जब इतना होता 5 years ले लेते हैं, टैक्स 30%, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। और जरूरी थोड़ी ना कि हर साल का एक जैसा, हर साल का अलग अलग हो सकता है। पहले साल का 80,000, 1,20,000, 2,50,000, 2,25,000 and 1,75,000। कैलकुलेट सीएफईटी। अब सुनो, अब हर साल का अलग अलग आएगा तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले क्या लिखोगे, सीएफबीटी 80,000, 1,20,000, 2,50,000, 2,25,000 और 1,75,000। माइनस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। अब सर डेप्रिसिएशन कैसे निकाले, तो बहुत सारे तरीके हैं डेप्रिसिएशन के, WDV मेथड है, बट कैलकुलेटर से ऐसे निकलेगा, 4,00,000 × 25% पहले साल का, -25% सेकेंड ईयर, -25% थर्ड ईयर, -25% फोर्थ ईयर, -25% फिफ्थ ईयर। सीधा सीधा एक बार करके देख लेते, 4,00,000 × 25% 1,00,000, -25% 75,000,
माइनस 25% 56250 माइनस 25% 42187 एंड माइनस 25% 3164। तो एक ये तरीका और एक तरीका सुनो, और एक तरीका पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 1,00,000। तो बेटे सुनो 25% है ना, तो बचेगा कितना 0.75 कर लीजिए इनटू पहले साल का डेप्रिसिएशन कर लीजिए 1,00,000। तो इक्वल टू दूसरा साल, इक्वल टू तीसरा साल, इक्वल टू चौथा साल, इक्वल टू पांचवा साल। देखो ऐसा होगा 0.75 इंटू 1,00,000 75,000, फिर इक्वल टू किया 56250, फिर इक्वल टू किया 542187 और फिर इक्वल टू किया तो 31641। आपको जैसे करना है कर लो, बस कंफ्यूज मत हो। 75% क्यों आया, क्योंकि 25% डेप्रिसिएशन कटेगा तो बचेगा कितना 75%। ओके सर, अब आ गया पीबीटी और पहला वाला तो माइनस में आ गया। हाँ, और माइनस का क्या करना, टैक्स सेविंग्स हो गई हमको पता है। अब क्या आएगा बेटे, अब आएगा टैक्स, और यहां टैक्स सेविंग होगा, टैक्स का रेट कितना चाहिए 30%, 20,000 का 30%, 6,000। सर माइनस में लिखते हैं, हाँ बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमको अच्छे से पता है, माइनस ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। आप अल्टरनेटिव टैक्स सेविंग्स भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको कैसे करते, तो पहले टैक्स का रेट लिख दीजिए, टैक्स का रेट कितना है 0.3 इंटू, फिर करते जाइए 20,000 कर दिया, फिर 45,000 कर दिया, फिर करते जाइए जैसे मैं करवा रहा हूं ध्यान। 0.3 इंटू 20,000 6,000 आ गया, 45,000 इज इक्वल टू ये आ गया 13,500। 193750 इज इक्वल टू 58125, 182813 इज इक्वल टू 54839844 ले लेते, 143359 तो आ गया 43008। बस, तो अब आपको सीएफबीटी मालूम है, आपको टैक्स मालूम है, तो सीधा आ जाएगा सीएफएटी 1-2, ये प्लस होगा पहला वाला, बस 86,000 है। 1,20,000 माइनस 13,500 106500, 250,000 माइनस 58125 यहाँ गया 19875, 225,000 माइनस 54844 170156 एंड 175,000 माइनस 43008 13199 और फिर आगे से हम इसी को डिस्काउंटिंग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, सीएफएटी कैसे निकाला जाता है, इसके बाद तो फिर हम एनपीवी निकालते रहे, ठीक है। तो बेटे हम लोगों ने सीएफएटी तो डिस्कस कर लिया, ठीक है सर, क्वेश्चन बनाया नहीं, और एक चीज डिस्कस करना है, क्या चीज, टर्मिनल वैल्यू, आखिर ये है क्या चक्कर टर्मिनल। अगला लिखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी में एनपीवी के अंदर ही चल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल सर क्या है टर्मिनल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोजेक्ट में आज पैसा लगाते, किसी मशीन में आज पैसा लगाते, मशीन समझ लो, तो मशीन जब बेचोगे कुछ ना कुछ की तो बिकेगी, हाँ सर, तो ठीक है ना, वही तो टर्मिनल वैल्यू है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, नहीं बात ये
मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मशीन खरीदा था मैंने यहाँ 5 लाख की, और 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, बस 3 ही साल का प्रोजेक्ट, और यहाँ मशीन की बुक वैल्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा होगा तो बुक वैल्यू मान लो 1,50,000 है, और मैंने मान लो वो मशीन बेच दिया 3 लाख रुपए की, बोलो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर आपने बेचा कितने में? 3 लाख मशीन खरीदा कितने में था? बहुत पहले 5 लाख में, पर उसकी WDV कितनी? 1 लाख। कंपैरिजन किससे करते हैं? WDV से। मतलब हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस दिन मशीनरी बेच रहे हो उस दिन मशीनरी की WDV कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी, और जबकि आपको गेन हो रहा है तो उसको, उस गेन को बोला जाता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं यहां कितने रुपए का गेन दिखाई दे रहा, मान लो ये 2 लाख होता, तो सर मुझे तो 50,000 रुपए का गेन दिख रहा, तो इस 50,000 पे मुझे टैक्स भी तो देना पड़ता। मान लो कैपिटल गेन टैक्स है 40%, तो मुझे 20,000 टैक्स देना पड़ेगा। आराम से सोच के बताना, मशीन कितने की बेचा? 2 लाख। कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ा? गेन कितने का? वो कैपिटल गेन 50,000, तो उस पर मुझे 40% टैक्स देना पड़ा, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ा? 20,000। तो बताइए मशीन बेचने के बाद नेट मेरे पास पैसा कितना बचा? इंपॉर्टेंट टाइम बोल रहा हूं, मशीन बेचने के बाद, टैक्स देने के बाद नेट मेरे जेब में कितना पैसा बचा, वही मेरा टर्मिनल वैल्यू होगा। सर 30,000 बेचा। बेटे बिल्कुल गलत, आप तो ऐसे नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन है, बोलो पैसा कितना आया? 2 लाख। टैक्स वाले को कितना देना पड़ा? 20,000। तो 2 लाख माइनस 20,000, बताइए कितना बचा? 1,80,000। अच्छे से सोच के देखो, 30,000 नहीं बचा। अच्छा सर, मतलब जितने की मशीन बेच रहे हो उसमें से हमें कैपिटल गेन टैक्स माइनस कर देना है, हाँ, और वो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? टर्मिनल वैल्यू। सर मशीन 3 साल बाद कितने का बेचेगी ये हमें पता कब लगेगा? आज ही हम अनुमान लगा लेंगे कि 5 साल बाद या 3 साल बाद मशीन कितने की बिकेगी, उसी को बोला जाता है सैलवेज वैल्यू, ठीक है? उसमें से कैपिटल गेन टैक्स होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, और जो आएगा उसका नाम रहेगा टर्मिनल। बस इसी पे क्वेश्चन करवाने, बाकी और कुछ नहीं है क्वेश्चन। 2-3 एग्जांपल इस पे करवा देता हूं ताकि आप एक्सपर्ट हो जाओ टर्म। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ मशीन, एक लाख बीस हजार सैलवेज वैल्यू 20,000 लाइफ 5 years, 30%, डेप्रिसिएशन एसेट, आपको बताना टर्मिनल वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, मतलब 5 साल बाद सेल्स कंसिडरेशन, बोलो बेटी कितने की बिकेगी? सर 20,000। इसमें से माइनस क्या करोगे? कैपिटल गेन टैक्स, मशीन कितने का बेच रहे हो? 20,000। यहां माइनस करना पड़ेगा बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कैसे आता है? तो बुक वैल्यू ऐसे आता है, जितना कॉस्ट है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा टोटल डेप्रिसिएशन। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना? 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 5। मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन है 20,000, और मुझे कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा? 5 साल का। तो 1,20,000 है टोटल कॉस्ट, जितने में खरीदा था उसमें से माइनस करूंगा मैं टोटल डेप्रिसिएशन 5 साल का, तो जो आएगा वो क्या आएगा? बुक वैल्यू या WDV, और वो किस्मत से 20,000 ही आ गया।
तो क्या किसी टाइप का कैपिटल गेन हो रहा है? नहीं। तो टैक्स क्या जाएगा? जीरो। तो 20,000 ही आपका क्या आएगा? टर्मिनल। सर इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन का मेथड SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो जो सैलवेज हो वैल्यू होगा वही टर्मिनल वैल्यू होगा, क्योंकि कैपिटल गेन तो टैक्स तो होगा ही नहीं। नहीं बेटे मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बस ये कैलकुलेशन से ही आ गया, बस इतना समझ लो। आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपने मन से नहीं करोगे, ज्यादा दिक्कत होगी टर्मिनल वैल्यू निकाल लिया करो। अभी तो ऐसा लग रहा कि सैलवेज ही टर्मिनल वैल्यू। आगे चलते लिखोगे एग्जाम्पल नंबर सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं। 120,000 लाइफ 5 years डेप्रिसिएशन 20% पर एनम WDV मेथड। और टैक्स रेट 40% WDV नहीं, अभी SLM ही चलने दो भाई। और आपको निकालना है टर्मिनल वैल्यू क्वेश्चन। चलो जी तैयार हो? हाँ सर तैयार है। चलो देखते सैलवेज इज सेल कंसिडरेशन होगा। सेल्स कंसिडरेशन बोलो बेटे कितने का बेचोगे? 20,000 माइनस क्या करोगे? कैपिटल गेन। कैसे निकलता है? सेल कंसिडरेशन कितने का? 20,000 माइनस बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकलते? कॉस्ट माइनस, बताओ एक साल का डेप्रिसिएशन कितना? याद रखना डेट दिया है तो सैलरीज माइनस नहीं किया जाएगा, डेप्रिसिएशन निकालते समय। तो 120,000 का 20% 24,000 एक साल का डेप्रिसिएशन, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मालूम है यहाँ जीरो आ जाएगा। ओहो, तो बुक वैल्यू थी जीरो, WDV जीरो पर बेचा है 20,000 पे, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा कितना परसेंट? 40%। 8,000 आपको टैक्स लगेगा, तो टोटल आपके पास कितना बचेगा? 12,000। दिस इज टर्मिनल वैल्यू। अच्छा सर तो ये बात है। हाँ बेटे आप कैसे भी नहीं कह सकते कि SLM होगा तो ये कर लेंगे, WDV होगा तो ये करेंगे, कोई भी क्वेश्चन निकाल कर ही देख लिया करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, हर एक एग्जाम्पल में कुछ बात है। कॉस्ट ऑफ मशीन 1,00,000 30,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% पर एनम। इस बार मैंने WDV मेथड लिया, WDV लाइफ 5 years टैक्स 40% टर्मिनल वैल्यू क्वेश्चन मार्क। चलो कोशिश करें। ठीक है सर।
बताओ बेटी सेल्स कंसिडरेशन कितना 30,000 माइनस क्या करना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स बताओ कितने में बेच रहा 30,000 में बस अब यहां मुझे बुक वैल्यू चाहिए WDV मेथड है तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगा जरा सोचना 1,00,000 है 25% डेप्रिसिएशन कटेगा तो बचेगा कितना 75% तो WDV मेथड में ऐसा निकाल सकते 0.75 इनटू 1,00,000 1, 2, 3 बार इक्वल टू 4 5 बार बस काम खत्म 0.75 इनटू 1,00,000 1, 2, 3, 4, 5 तो आ गया 23,730 और टैक्स का रेट कितना है जी 40% इसका मतलब इतना बुक वैल्यू था 30,000 में बेचा तो सीधा सीधा क्या हो गया कैपिटल गेन हो गया 30,000 माइनस 23,730 इंटू 40% तो ये आ गया 2,508 तो टर्मिनल वैल्यू आ गया ये आया 27,492 दिस इज टर्मिनल वैल्यू तो इसमें क्या खास बात थी इसमें आपको WDV मेथड दिया हुआ था नेक्स्ट एग्जांपल अब आपका नंबर है अब आप बनाओ कि मुझसे पहले बना लेना कॉस्ट ऑफ मशीन 2,20,000 सॉल्वेस 20,000 लाइफ 5 years टैक्स 30% डेप्रिसिएशन 20% पर एनम WDV तो क्या टर्मिनल वैल्यू निकाला जा सकता है हाँ सर हाँ निकाल सकते हैं अब तो पक्का हम निकाल के बता रहे हैं चलो भाई तो कोशिश करते हैं सेल्स कंसंट्रेशन बोलो बेटी कितने का 20,000 का माइनस क्या होगा कैपिटल गेन टैक्स कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है सर यहां बेचा कितने का 20,000 का इसमें से माइनस क्या करोगे बुक वैल्यू और WDV मेथड है तो 20% मतलब 0.8 होगा यस 2,20,000 कितने बार इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 बार इक्वल टू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो आगे 72,090 ओहो पहली बार इतने की मशीन और 20,000 में ही बेच रहे तो भाई आपको तो ये कैपिटल लॉस हो रहा और कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा टैक्स सेविंग्स होगा इस बार क्योंकि लॉस हो रहा है सर कैपिटल गेन हाँ बेटे ये वाला जो कैपिटल लॉस है किसी कहीं और कैपिटल गेन होता होगा उसके साथ सेटअप कर लो अच्छा इनटू टैक्स का रेट कितना 30% 20,000 माइनस 72,090 इनटू 30% तो ये आ गया 15,627 याद रखना ये टैक्स सेविंग है तो प्लस होगा तो फाइनल आ गया 35,627 दिस इज टर्मिनल ठीक है यहां तक जी सर सर और कुछ बचा हुआ है क्या एक एग्जांपल और बचा हुआ है क्योंकि उसमें भी कुछ बात है ओके सर लास्ट एग्जांपल टर्मिनल एग्जांपल
कॉस्ट ऑफ मशीन। एक लाख डेप्रिसिएशन 20% पर है ना, डब्ल्यू टी टैक्स 30%, टर्मिनल वैल्यू क्वेश्चन मार्क, बस खत्म। सर इसमें सैलवेज सैलवेज नहीं है बेटे। सर तो फिर कैसे निकलेगा बेटे? निकलेगा ना देखो आप आराम से। सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन जीरो, ओके सर। और कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स सेविंग्स तो हो सकता है ना भाई? हाँ सर बिल्कुल सही। बोलो मशीन कितने की बिक रही? जीरो। बुक वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ। अब तो अब हमको आता है 0.8 × 1,00,000। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 7, 6, 8। और इसका कितना परसेंट? 30%। तो ये आ गया 9,830। तो बस कुछ नहीं है, टर्मिनल वैल्यू मतलब टैक्स सेविंग्स होगा, बस बात करता। दिस इज टर्मिनल। इसमें एक और चीज आती है, तो टर्मिनल वैल्यू खत्म हो गया, कुछ नहीं। वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं क्वेश्चन के। वर्किंग कैपिटल में होता क्या है, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो भैया प्रोजेक्ट में तो लगता ही है खर्चा, साथ में वर्किंग कैपिटल में भी तो लगता है। आपको मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, कैश भी रखना पड़ेगा, दुकान ऐसे नहीं चलेगी। और वो स्टॉक और कैश वगैरह कब फ्री हो जाएगा? प्रोजेक्ट के एंड होने के समय। तो वर्किंग कैपिटल के विषय में ना कुछ ना लिखा रहा है, वर्किंग कैपिटल लगेगा 100,000 ऐसा लिखा है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि 100,000 रुपए आज लगेगा और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब पैसा कैश हमने लगाया था, अब कैश फ्री हो गए हमारा। तो खैर वो मैं क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा। वर्किंग कैपिटल इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक खत्म हो गया, हम सीधा क्वेश्चन बनाने वाले। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? एनपीवी की। अभी पीआई समझना है, अभी आईआरआर समझना है, उसके बाद तो अगली क्लास में वो दोनों चीज में करवा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? एक तो नॉर्मल एनपीवी निकालना सीखा, दूसरा हम लोगों ने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना सीखा जो कि हमें काम आने वाला है, तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीखा टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तीन चीजें पढ़ा। और फिर मैंने आपसे ये कहा था एक क्लास और लगना है, उस पर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, कुछ एग्जांपल करने हैं, ताकि हम बेसिक में, क्योंकि आईआरआर बाकी और पीआई भी बाकी। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक दो एग्जांपल लेता हूं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अच्छा सा काम करवा रहा हूं। ठीक है, तो हर एक एग्जांपल में कुछ खास बात है, तो टोटल दो एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद हम पीआई करेंगे और फिर उसके बाद हम आईआरआर करेंगे। ओके सर, आज की क्लास के यही टारगेट एग्जांपल। तो बट ये मान लो दो प्रोजेक्ट, ऐसा थोड़ा सा अच्छे से कर, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है जी। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ मशीन, इस मशीन की कीमत है 1,10,000
और ये मशीन थोड़ी सी महंगी है और इसकी कीमत है 1,65,000। ठीक, लाइफ ये मशीन थोड़ी सी सस्ती है तो 5 साल चलेगी और ये मशीन 8 साल चलेगी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी लाइफ है 5 साल, इसकी लाइफ है 8 साल। सर इसके बाद सर्विस, यहां सर्विस है 10,000 और यहां सर्विस ले लीजिए 15,000। ठीक है सर, इसमें भी देखिए। इसके बाद डेप्रिसिएशन, दोनों ही मेथड में डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM और यहां भी SL। टैक्स का रेट तो एक ही होना चाहिए, अलग अलग जगह लिखने की अपेक्षा मैं एक साथ ही लिख सकता हूं, पर ऐसा ले लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन, और मैं आपको CFBT दे रहा हूं। अगर मैं ये मशीन खरीदूं तो हर साल आएगा 45,000 पर। और सर अगर आप ये मशीन CFBT दिया है, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं, 65,000 पर। अगर मैं मशीन भी खरीदता हूं तो चूंकि महंगी मशीन है तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा और हमको ऐसा लग रहा है कि 72,000 पर एनम आएगा। लेकिन सुनो क्या दिया है, CFBT। ओके सर, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मान लो 12% पर। और क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्वेश्चन है विच मशीन शुड बी परचेस्ड, कौन सी मशीन खरीद। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, मशीन ए खरीदना है कि मशीन बी खरीदना है। उसके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है विच मशीन शुड बी परचेज बोला, तो इसके लिए हमको सबसे पहला काम है कि CFAT निकालना पड़ेगा। CFAT मशीन ए मशीन बी दोनों का एक साथ निकाल देते हैं। आपको गिवन है CFBT कैश फ्लो बिफोर टैक्स, यहां कितना है 65,000 हर साल का और यहां कितना 72,000 हर साल आएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, मजबूरी है, 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। 1,65,000 माइनस 15,000, 1,65,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय, ये 5 साल लाइफ नहीं है, इसकी लाइफ है 8 साल, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8, तो यहां डेप्रिसिएशन आ गया 18,750। तो CFBT में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ गया 45,000। और यहां आ गया 53,250। अभी क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स, और टैक्स का रेट ले लेते हैं, रेट 30% दिया हुआ, 13,500। तो सीधा CFAT आ जाएगा, CFBT को ले लेते 1 और टैक्स को ले लिया 2, तो 1 माइनस 2 65,000 माइनस 13,000 प्लस 51,500 माइनस 15,975,60,25। अब हमको CFAT मिल गए, इसको यहां लिख देता हूं CFAT ताकि मुझे काम, 51,500 and 56025।
सर अब क्या करेंगे, अब बताएंगे बेटे एनपीवी। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, मशीन कितनी है आपके पास, दो कॉलम दो बुक है, एक ईयर का आएगा और एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ईयर 12% और यहां दो मशीन, मशीन ए मशीन बी, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी सर। सबसे पहले जो आएगा उसको बोलते हैं हम कैश आउटफ्लोस, आज कितना पैसा लग रहा है। तो कैश आउटफ्लोस में सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, कब 5, आज 1 है तो 1, कितना पैसा जा रहा है बेटे 110,000, 110,000 और यहां कितना जा रहा है 1,65,000 to 1,65,000, बात खत्म। ठीक है दूसरा आएगा कैश इनफ्लोस, और कैश इनफ्लोस में आपने निकाला सी एफ ए टी, पर प्रॉब्लम है एक मशीन की लाइफ है 5 साल और एक मशीन की लाइफ है 8 ईयर्स। तो सबसे पहले मशीन ए 1 to 5 कितना आएगा हर साल निकाल चुके, सी एफ ए टी आएगा 51,500, फैक्टर देखना पड़ेगा। और एक मशीन है मशीन बी 1 to 8 और उसका सी एफ ए टी आया था 56,025, फैक्टर देख लेते 1 divided by 1.12, 1, 2, 3, 4, 5 जी 3.6048, तो 3.6048 into 51,500, तो बेटे ये आ गया 1,85,647, 1 divided by 1.12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां फैक्टर आ गया 4.9676, तो 56025 इंटू 4.9676, तो ये आ गया 278310, ये आ गया सीएफटी। पर इसके अलावा और एक चीज है, और क्या चीज है, टर्मिनल वैल्यू, मशीन ए मशीन बी, बताओ बेटे कितने में बेचोगे, 10,000 में। कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट, अगर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो जो सैलवेज है वही टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी, अगर कैपिटल गेन टैक्स होगा तो कैपिटल गेन टैक्स माइनस बुक करना पड़ेगा, और मेरा एक्सपीरियंस यहां बता रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स का कोई चक्कर नहीं, फिर भी मैं मशीन ए का समझा के बता रहा हूं। मशीन ए कितने में बिकेगी, 5 साल 10,000। तो सुनो सबसे पहले आएगा सेल कंसिडरेशन 10,000 माइनस कैपिटल गेन टैक्स, कैसे निकलते थे, 10,000 का बेचोगे माइनस बुक वैल्यू, हर साल डेप्रिसिएशन कितना कितना लगा है जरा बताओ सर, 20,000। तो बेटे बुक वैल्यू कैसे निकालोगे, 1,10,000 में से 20,000 5 साल, तो बुक वैल्यू तो 10,000 ही बचेगी ना आपकी,
डब्ल्यू डी बी, 1,10,000 कॉस्ट, हर साल डेप्रिसिएशन 20,000, तो टोटल मिलाकर यहां कितना आ जाएगा, 10,000 ही आ जाएगा। तो जब कोई गेन ही नहीं हुआ तो टैक्स कैसे जीरो। तो सीधी सी बात है, जब SLM मेथड है और फॉर्मूले से हमको डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो जो सैलवेज होता है वही आपका टर्मिनल वैल्यू होता है। इसका मतलब हमको मिलेगा कितना रुपए, 10,000 पर मशीन ए से 5th ईयर में मिलेगा, और यहां 8th ईयर में मिलेगा कितना रुपए मिलेगा, 8th ईयर में 15,000। फिर से फैक्टर देखना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड 1.12, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां फैक्टर आएगा 0.5674, 6, 7, 8, और यहां आएगा 0.4039। तो 10,000 × 0.5674, तो यहां आ गया 5674, और यहां आ जाएगा 15,000 × 0.4039, 6058। अब जोड़ लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, 185,647 + 5674, तो यहां आ गया 191,321, और 278,310 + 6058, यहां आ गए 284,368। ये आ गया टोटल ऑफ ए था, ये आ गया टोटल ऑफ बी, तो एनपी भी निकल सकता है, 191,321 - 1,10,000, तो यहां एनपी भी आ गया 81,321, और यहां 284,368 - 1,65,000, यहां एनपीवी आ गया 1,19,368। बता सकते हो कि कौन सी मशीनरी खरीदोगे? सर मशीन बी, क्योंकि उसका एनपीवी ज्यादा है, और जिसका एनपीवी ज्यादा है वही मशीन खरीदते। बस एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या बस इतनी सी है कि दोनों का कैश फ्लो एक जैसा टाइम नहीं है। इसका मतलब ये जो एनपीवी जनरेट हो रहा वो कितने साल में हो रहा, 5 साल में, और ये जो एनपीवी जनरेट हो रहा वो कितने साल में हो रहा, 8 साल में। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये इक्वल है, ये 5 साल का है और ये 8 साल का है, तो एक काम किया जा सकता है, क्या हर साल का निकाले? यस, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो 5 साल का उसको 5 साल से, जो 8 साल का उसको 8 साल से, और हम एनुअल एनपीवी निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। हालांकि एक बात अच्छे से जानते हो आप, यहां 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 5 के फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। सर क्यों बेटे? यहां जो, वैसे मैं उसका डेरिवेशन नहीं समझाना चाहता, उतना टाइम नहीं है, और अगर समझना है आपको तो आप लीजिंग में समझ लेना, इक्विवेलेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट निकला हुआ आगे आप देखो। बस इतना है कि डिवाइडेड बाय मुझे, जैसे ये 5 साल का कैश फ्लो है ना, तो इसको मैंने 5 से डिवाइड नहीं किया, इसको 5 साल के फैक्टर से डिवाइड किया, उसी तरह मुझे इसको डिवाइड 5 से नहीं करना पड़ेगा, 5 साल के फैक्टर से, इसको डिवाइड 8 साल के फैक्टर से। ये सिचुएशन कब आएगी कि हमें इस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना, ये सिचुएशन तब आएगी जब CFAT अलग अलग, मतलब पीरियड अलग अलग हो, इसका अलग हो, लाइफ अलग अलग हो, तब आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो एक नोट लिखते हैं, लिखोगे नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। If life, lives of projects are unequal, then decision is taken
ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल और इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी का फॉर्मूला है एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएएफ और ये किस पे लाइफ पर डिपेंड करता है सर जैसे क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए बताओ कितना एनपीवी है 81321 डिवाइडेड बाय ये होगा 3.6048 पांच साल का फैक्टर ऐसी किसकी बात कर लेते प्रोजेक्ट बी बताइए बेटे एनपीवी कितना एनपीवी 119 368 और ये डिवाइड किससे होगा आठ साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर 4.9676 81321 डिवाइडेड बाय 3.6048 तो ये आ गया 22559 119368 डिवाइडेड बाय 4.9676 और ये आया 240 सर अभी भी तो यही अच्छा हाँ बेटे किस्मत से पर कभी कभी डिसीजन गड़बड़ अभी प्रोजेक्ट बी अच्छा और अभी भी प्रोजेक्ट बी अच्छा है लेकिन कभी कभी ये कम आ जाता तो आप फंस जाओगे तो अब लिखते हैं मशीन बी या प्रोजेक्ट बी शुड बी परचेस्ड क्यों ड्यू टू हायर इक्विवेलेंट एनुअल तो ये क्वेश्चन में खास बात बस इतनी थी कि कैश फ्लो सीएफएटी अलग अलग साल का इसका लाइफ अलग था इसका लाइफ अलग था अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग लाइफ था तो डिसीजन किस बेसिस पे दोगे इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी के बेसिस पे चलो तो भाई अब ये बात हमारी समझ में आ चुकी है अब एक एग्जांपल और लिखोगे बेटे ये भी काम का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर टू दो मशीनें ए बी सर इसका कॉस्ट कितना इसका कॉस्ट ले लीजिए 45,000 और सर इसका कॉस्ट 70,000 लाइफ कितना सेम सिचुएशन 5 years और 8 years ठीक सर क्या खरीद क्या रहे हो ये बताओ बेटे मैं एसी खरीदने का सोच रहा हूँ एसी एयर कंडीशनर ठीक है सर एसी खरीदोगे तो मैं सोच रहा हूँ यार सस्ता खरीदूं कि महंगा खरीदूं अगर सस्ता खरीदता हूं थोड़ा सा कम चलेगा चलेगा और महंगा खरीदता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा 8 साल चलेगा अब और एक बात समझना तो एसी से कोई इनफ्लो तो आएगा नहीं और मैं मान के चल रहा हूं मान लो कोई मशीन जिसका इनफ्लो एक जैसा है एक्सपेंसेस की बात करो अच्छा तो सर क्या खर्चे है रनिंग एक्सपेंसेस अगर मैं सस्ता वाला एसी खरीदता हूं तो मुझे हर साल खर्चा आएगा 20,000 रुपए पर और सर महंगा वाला खरीदोगे तो एक्सपेंसेस कितना 17,000 पर थोड़ा सा कम अच्छा और बोलो
सैलरीज, ये वाला एसी 5 साल बाद बिकेगा सिर्फ 5,000 का, और ये बिक जाएगा 10,000 का। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? एसएलएम। टैक्स का रेट कितना ले लेते हैं? इस वक्त 40% ले लो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस वक्त 10% ले लीजिए। और क्वेश्चन है, विच मशीन शुड बी परचेस्ड? सर अब सीएफएटी कैसे निकाले? एग्जैक्टली, अब सीएफएटी निकल ही नहीं सकता भैया, एसी खरीदना आपको तो कहां से सीएफएटी निकालोगे? तो सर अब बताओ डिसीजन कैसे लेंगे? आउटफ्लो के बेसिस पे, जिसमें कम आउटफ्लो होगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा। यहां भी आउटफ्लो है, यहां भी आउटफ्लो है, जिसमें आउटफ्लो कम होगा वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है सर, तो एक नोट कहां लिखूं? मैं यही लिख रहा हूं, नोट, इंपॉर्टेंट नोट। इफ कैश इनफ्लोस आर नॉट गिवन, then decision is taken on the basis of lower present value cash outflow, और life अलग है तो equivalent annual present value cash outflow, life अलग अलग है तो equivalent तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा सर, तो चलो काम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ, इस बार एनपीवी नहीं लिखा, पीवीसीओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फिर से वैसे कॉलम बनेंगे। इधर क्या जाएगा? ईयर प्रेजेंट वैल्यू था कितना परसेंट? 10%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ए अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, बी अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले ए कैश आउटफ्लोस, कैश आउटफ्लो ही तो सब कुछ है, तो बेटे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनफ्लो कुछ है ही नहीं है। ठीक है सर, तो यहाँ क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ मशीन, जीरो, वन 45,000, 70,000। अब रनिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले बात किसकी? पहले मशीन ए। सर कितना है बेटे? 20,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन सुनो एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस दिखाओगे, एक्सपेंसेस हो रहे तो एक्सपेंसेस दिखाओगे, और एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा, तो हमको टैक्स सेविंग्स कंसीडर करना है। मतलब मैं सीधा सीधा बोलूं, 20,000 का खर्चा नहीं है, 20,000 वन माइनस टैक्स का रेट कितना है? 0.4, आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा एक्सपेंसेस, 20,000 × 0.6 ले लूं, 20,000 × 0.6
12,000 रुपए खर्चा। ऐसे किसकी बात करो, मशीन बी का रनिंग एक्सपेंसेस कितना, 17,000। 1 - 0.40 0.6 × 17,000 10,200 का एक्सपेंसेस है। फैक्टर देख लेते हैं, मशीन ए 500, मशीन बी 800। 10% के हिसाब से ये आ गया 3.79 0। और ये आ गया फैक्टर 5.3349। तो 12,000 × 3.79 0.8 तो ये आ गया 4,549। तो 490 ले लो और 10,200 × 5.33 ये आ गया 5,416 ठीक है। रनिंग एक्सपेंस नहीं था बेटे, और एक चीज लेना पड़ेगा सर। क्या चीज बेटे? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। सर पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लेते थे बेटे? लेते थे, हम डेप्रिसिएशन माइनस करके प्लस, सीएफएटी में कवर हो जाता था टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। ओके सर, तो अब मशीन ए का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। कितने का? 45,000 - 5,000 कितने साल? 5 साल। पर यहां डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, इसका टैक्स सेविंग्स लिखना 40%। सर ये टैक्स सेविंग्स है? यस, ये तो फायदा हुआ है, इनफ्लो। हाँ ये 1 to 5 आएगा और ये 1 to 8 आएगा, यहां भी 1 to 5 आएगा। 3.7908 3,200 × 3.7908 ये आ गया 1 to 130 वन ले लेते। और यहां मशीन बी का डेप्रिसिएशन कितने की है जी? मशीन 70,000 - 10,000 डिवाइडेड बाय 8 साल लाइफ इंटू 40% 1 to 8 60,000 डिवाइडेड बाय 8 × 40% 3,000 फैक्टर 5.3349 तो 3,000 × 5.3349 तो ये आ गया 1600 4 मतलब 5 ब्रैकेट लगेगा बेटे टैक्स। सर हो गया कि और कुछ बचा बेटे? अब बचा हुआ आखिरी काम टर्मिनल वैल्यू। ओहो ये तो बड़ा दिक्कत है। सबसे पहले मशीन ए मशीन बी, एसएलएम मेथड है तो सीधा सीधा लिख रहा हूं, 5वें साल 8वें साल 1 / 1.10 1 2 3 4 5 पांचवें साल का फैक्टर 0.6209 6 7 8 0.4665 यहां कितना आएगा? यहां मशीन बिकेगी 5,000 की। सर मशीन बिकेगी मतलब पैसा आएगा? यस, 5,000 × 0.6209 तो ये आ गया 3104। यहां की बात करो, यहां कितना आएगा बेटे? 10,000 ब्रैकेट 10,000 × 0.4665 तो आ गया 4,665। बस सीधा सीधा काम, पीवीसीओ निकल गया 45,000 + 45,490 - 1 2 1 3 1 - 3 1 0 4 तो आ गया 75,255 और यहां 70,000 + 5,416 - 16005 - 4,665 1037 4 6 बताओ बेटे कौन सी मशीनरी खरीदना चाहिए?
कैश आउटफ्लो के बेसिस पे तो सर हमको खरीदना चाहिए जिसमें कम कैश आउटफ्लो होता है। किसमें कम कैश आउटफ्लो है जरा बता सकते हो? सर ये मशीन खरीदना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है, ये कैश आउटफ्लो कितने इयर्स का है? 5। और ये कितने इयर्स का है? 8। इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो मशीन पे। पीवीसीओ कितना? 75255। पर ये कितने पीरियड का है? 5 साल। 5 साल का फैक्टर 3.7908। मशीन बी कितना? 103746। 8 साल का फैक्टर 5.33। तो कैश आउटफ्लो आ गया 19852। इक्विवेलेंट एनुअल निकला 103746 डिवाइडेड बाय 5.3349 और ये आ गया 19447। बताओ बेटे कौन सी मशीन? मशीन बी, क्योंकि कैश आउटफ्लो कम। सर हाँ सही बात है, अभी ये ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये ज्यादा अच्छा, कैश आउटफ्लो कम। इसका मतलब अगर यही रुककर डिसीजन आप दे देते तो गलत हो जाता आंसर आपको आगे। और आगे कब जाना है? जब लाइफ अलग हो। अगर लाइफ एक जैसा है तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है जी। जी सर तो लिख देते हैं। मशीन बी शुड बी परचेज, क्यों? ड्यू टू लोअर इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, दो चीजें, दो एग्जांपल करवाए, दोनों एग्जांपल में कुछ ना कुछ बात थी। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक तो करना हमको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई और करना आईआरआर, फिर हमारी एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप क्वेश्चन बनाने की स्थिति में नहीं हो कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार पीआई हो जाता आईआरआर होता फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर जाए। ठीक है। हाँ अभी क्या कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने कहा पहला एनपीवी कर रहा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पीआई। सुनो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे, बिल्कुल ध्यान से। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लो दो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए और बी, और मैंने आपको दे दिया पी वी सी ओ। इसमें पैसा लग रहा है 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसमें लग रहा है 2 लाख। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। और पीवीसीआई दे दी, पीवीसीआई का मतलब जितना भी कैश फ्लो फ्यूचर में आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, इसमें 10 लाख मान लो। थोड़ा सा साफ साफ बात कर, प्रोजेक्ट ए में आज पैसा लगाओगे तो 1 लाख और बी में लगाओगे तो 10 लाख। अच्छा, प्रोजेक्ट ए से कमाओगे कितना? जितना भी कमाओगे सबका प्रेजेंट वैल्यू है 2 लाख और इसमें कितना है? 12 लाख। क्या एनपीवी निकाला जा सकता है? हाँ, एनपीवी पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, एनपीवी आया 1 लाख और इसमें एनपीवी आया 2 लाख। सोच के बताना कौन सा प्रोजेक्ट करोगे। एनपीवी रूल्स तो एक ही बात बोलता है कि जिसमें एनपीवी ज्यादा आएगा उस प्रोजेक्ट को करेंगे बात खत्म।
सर तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट बी करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट बी का एनपीवी 2 लाख है। लेकिन समस्या सुनो बेटे, कॉमन सेंस लगाओ, दिल से सोचो, दिल से इसमें कितना पैसा लग रहा है? 1 लाख। और 1 लाख लगाकर कितना कमाओगे? 2 लाख, डबल लिख रहा है, 2 टाइम्स। जबकि इसमें 10 लाख लगाकर 12 लाख कमा रहा है, मतलब 10 लाख लगा, 1 रुपया लगाकर 1 रुपया 20 पैसा। क्या अच्छा है 1 रुपया लगा के 2 रुपए कमाना अच्छा है कि 1 रुपया लगाकर 1.2 रुपया कमाना ज्यादा अच्छा? सर डबल कमाना अच्छा है ना? हाँ बेटे हाँ, यही तो समस्या है। लेकिन अगर एनपीवी पे फोकस करो तो एनपीवी बोलता है जिसमें एनपीवी ज्यादा है उसको एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि कौन सा प्रोजेक्ट करे, अगर मैं एनपीवी पे जाता हूं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसलिए एक पिक्चर में आया पीआई। पीआई बोलता है कि यार बस आप इतना सोचो कि आपने कितना लगाया और उस पर कितना कमाया। उसने एक फॉर्मूला दिया और पीआई का फॉर्मूला ये दिया, पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ। अगर मैं प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूं तो कितना कमा रहे हो आप? 2 लाख। कितना लगाकर? 1 लाख। तो कितना? 2। और अगर मैं प्रोजेक्ट बी की बात कर रहा हूं तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 1.2। पीआई रीड करो, रीड पीआई 2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप डबल कमाते हो जितना लगता है, और इसका मतलब आप 1.2 टाइम्स कमाते, तो डबल कमाना ज्यादा अच्छा हुआ। तो डिसीजन कैसे लोगे? जिसका पीआई ज्यादा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लोगे? बात खत्म। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में। सर इसका मतलब यह है कि पीआई से कब निकालना है, पीआई से डिसीजन कब लेना है? क्या एनपीवी से और पीआई से डिसीजन अलग अलग हो सकता है? हाँ, एनपीवी बोलता है कि प्रोजेक्ट बी परचेस करो, जबकि पीआई बोलता है कि प्रोजेक्ट ए खरीदिए। तो किसकी बात माने? सिंपल, दोनों की बात। क्वेश्चन बोलेगा पीआई के हिसाब से बताइए तो पीआई के हिसाब से, क्वेश्चन बोलेगा एनपीवी के हिसाब से तो एनपीवी के हिसाब। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, क्वेश्चन में बस इतना लिखा कि बताइए भाई कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे, तो अपने मन से पीआई मत लगाना। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो डिसीजन एनपीवी ही फाइनल होगा, वो बेस्ट होता है एनपीवी। तो सर इसका मतलब जब बोलेगा पीआई निकालने के लिए तभी पीआई निकालेंगे? हां भाई हां, तभी पीआई निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात मान लो एक ही प्रोजेक्ट 1 लाख पैसा लगा है और पैसा आ रहा है 90,000, बताओ प्रोजेक्ट करे कि नहीं करे? बस यही पूछा है, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पीआई कितना आया? 0.9। 1 लाख लगा के 90,000 कमाना तो बेवकूफी है, पीआई कितना आया? 0.9, नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन 1 लाख लगाकर पीवीसीओ आ रहा है 1,10,000, तो पीआई कितना आया? 1.1। क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए? यस। तो अगर सिंगल प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, तो पीआई के हिसाब से डिसीजन कैसे लोगे? अगर पीआई 1 या उससे ज्यादा है, 1 रुपया लगाकर आप 1 रुपया या उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो एक्सेप्ट, पर 1 रुपया लगा के आप कम कमा रहे हो, 90 पैसा कमा रहे हो तो रिजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। ये पीआई 1 से ज्यादा कब आएगा? सर जब पीवीसीआई ज्यादा रहेगा, और पीवीसीआई ज्यादा रहेगा मतलब एनपीवी पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, अगर एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट। पीआई से कब एक्सेप्ट करोगे? जब पीआई 1 से ज्यादा है। एनपीवी से एक्सेप्ट कब करोगे? जब एनपीवी पॉजिटिव है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से सोचना, क्या एनपीवी से और पीआई से एक ही डिसीजन आता है कि अलग अलग आता है? सोचो, एनपीवी पॉजिटिव कब आएगा? जब पीवीसीआई ज्यादा रहेगा, एक्सेप्ट। अगर ये ज्यादा रहेगा तो पीआई भी 1 से ज्यादा आएगा, एक्सेप्ट। प्रॉब्लम कहां आती है? म्यूचुअली एक्सेप्ट। अगर प्रोजेक्ट 1 से ज्यादा है तब एनपीवी और पीआई का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट सिंगल है तो एनपीवी और पीआई का डिसीजन एक जैसा होगा। ठीक है, वैसे सुनो हमको ना कोई रिसर्च नहीं करना है, जो करना था वो समय बीत चुका है,
डिटेल में अगर पढ़ना था कैपिटल बजटिंग तो आपको पढ़ना चाहिए था ये बेसिक चीजें बेटे, बस लेवल का रह नहीं गया आईपीसीसी, यहां तो बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको, एनपीवी और पीआई में पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा रहा मैं बेसिक क्यों पढ़ाऊं बेटे, आपको तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे फोकस करना पूरा की पूरा, तो थोड़ा बहुत लिख लेते प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ पीवीसीआई टू पीवीसीआई, ज्यादा टाइम पास नहीं करना, पीआई का फॉर्मूला है पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसी। डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मतलब सिंगल प्रोजेक्ट तो पीआई should be बनामो पर इंडिपेंडेंट नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, पीआई should be higher खत्म। इस पे कोई क्वेश्चन ज्यादा है नहीं है, इस पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। थर्ड एंड लास्ट मेथड लिखोगे आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम नाम देते हैं आईआरआर। पता नहीं बच्चे इस मेथड से इतना क्यों डरते हैं, बिल्कुल सिंपल है बेटे, कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल है। आईआरआर आपके एफआर में भी है तो हमको तो करना ही पड़ेगा, एफआर में भी आईआरआर निकालने के लिए आती है बात, पर हम समझ लेते कि आईआरआर से कैसे डिसीजन लिया जाता, फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके सर, सुना ध्यान से, ये आपकी कंपनी और ये आपने पब्लिक से पैसा उठाया है कैपिटल, और जिन लोगों से पैसा उठाया उनको देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो 10%, और उसको आपने किसी प्रोजेक्ट में लगाया है, प्रोजेक्ट में लगा दिया, ठीक है, अब बस आंसर देना। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि पब्लिक से जो पैसा उठाएंगे उसको अगर किसी प्रोजेक्ट में लगाओगे तो उससे जो रिटर्न मिलेगा उसको बोलते हैं आईआरआर, और मुझे ऐसा लग रहा कैलकुलेट कि उससे रिटर्न मिलेगा 12%। बताइए प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे पैसे लिया हूं 10% पे और आपके पैसों को मैं लगा रहा हूं 12% पर, तो सोचो बेटे करना चाहिए, करना चाहिए सर, क्योंकि आप 12% कमा रहे हैं, यस इट मींस हमें कैलकुलेशन इसकी जरूरत नहीं, ये दिया रहेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर मैं बोल सकता हूं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट,
अगर मैं 9% ही कमाऊंगा, मत करो बिजनेस, क्या करोगे कर्ज? क्यों मत देते? क्योंकि आपको 10% चाहिए भैया प्रोजेक्ट से, जबकि कमा कितना कमाओगे कितना? 9%। हटा दो, रिजेक्ट द प्रपोजल। और अगर 10% ही कमा रहा है तो मुझे उस प्रोजेक्ट से चाहिए कितना? 10। मिलेगा कितना? 10। कर लो। इट मीन्स कि प्रोजेक्ट कब एक्सेप्ट करोगे? जब IRR ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या तो कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होगा तब प्रोजेक्ट करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट है। पर मैं कहता हूं अगर दो प्रोजेक्ट है, IRR एक में कमा रहे हो 12% और एक में कमा रहे हो 15%, तो कौन सा प्रोजेक्ट? सर ये वाला करेंगे जिसमें IRR ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल। तो IRR बेसिकली क्या चीज है? IRR का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय फर्म फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और डिसीजन क्या कैसे लोगे? अगर इंडिपेंडेंट है तो IRR शुड बी मोर देन आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो IRR शुड बी हायर। सर निकालते कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन बाद में समझेंगे, पहले IRR क्या होता है वो लिख लें। तो समझा रहा हूं, लिखोगे पॉइंट नंबर 1। IRR is the rate of return earned by a firm from a project IRR। अच्छा डिसीजन क्राइटेरिया लिख लीजिए, डिसीजन किस बेसिस पे? डिसीजन क्राइटेरिया में डिपेंड करता, अगर इंडिपेंडेंट प्रपोजल है तो IRR शुड बी मोर देन आर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रपोजल कौन सा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो IRR शुड बी हायर। तो ये तो हमने IRR का कॉन्सेप्ट किया कि भाई कैसे कैसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना, पर इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। तो पॉइंट नंबर 3 लिखोगे कैलकुलेशन। आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है IRR? ये ना सब बेसिक चीजें है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना डीप में जाना चाहिए IRR को समझने के लिए, पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। बेसिक चीजें पढ़ाई नहीं जाती, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। जो पूरा फोकस है CA फाइनल में वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे। पर ठीक है, मान के चल रहा हूं नहीं आता, IPCC याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, उस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं।
अब कैलकुलेशन समझना बिल्कुल ध्यान से, भूल जाओ कैपिटल वेस्टिंग, भूल जाइए कैपिटल वेस्टिंग कुछ है, किसी और तरीके से समझा रहा हूं। मैं जिन चीजों का चीजों पे सवाल पूछ रहा हूं बस उसका जवाब देना, आपको ऑटोमेटिक बात समझ में आएगी क्या चीज है। मैं कह रहा हूं यार वी इन्वेस्ट रुपीज वन लाख, हम 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द रेट 12% पर फॉर 4 इयर्स, 4 साल से अमाउंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। इसका मतलब हम कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,00,000 रुपए कितने परसेंट के हिसाब से, 12%। दिस इज कैश आउटफ्लो, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर, इसको मैं कैश आउटफ्लो बोल सकता हूं। और 12% के हिसाब से बताओ 4 साल बाद कैश इनफ्लो कितना आएगा, टोटल कितना आएगा। तो ये तो हमको आता है, कंपाउंडेड होता है। हाँ सर, ये हमने किया हुआ। तो अगर मैं कहता हूं कैश इनफ्लो आएगा 34 साल में, कौन से ईयर में आएगा, 4th, 1,12,000 × 4, 1.12 × 1,00,000। तो ये आ गया बेटे 1,57,352। इतना पैसा है सर। इसमें IRR वाली बात कहां से आ गई, मतलब क्या लॉजिक क्या है एग्जांपल का यहां करवाने का, वो मैं आपको समझा रहा हूं, 2 मिनट में बात समझ में। ये बात समझ में आ गई जी सर। अब सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2। कैश आउटफ्लो, आज हम पैसा लगा रहे हैं 1,00,000। कैश इनफ्लो फोर्थ ईयर में हमको विथ ₹157,352 आज कितना पैसा लग रहा है, 1,00,000। फोर्थ ईयर में कितना पैसा लगेगा, 157,352। सोच के बताओ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। सर कमा रहा है, 1,00,000 लगा के इतना मिलेगा। हाँ सर कमा रहा है, कितना परसेंट, 12% पर है ना, यही तो कमाई हुई, इसी को तो IRR बोलते हैं। चलो निकाल के बताओ वही जो 12% आप बोल रहे हैं। हाँ अब दिक्कत है सर बेटे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सुनना ध्यान से। एक लाख पता है क्या, हाँ इक्वेशन में डाल के देख लो, 1,00,000 पता है। किस रेट पे नहीं मालूम सर, इसको 1+R ले लूं, बस इसी को मैं चेंज कर लू, यही तो निकालना। पावर क्या हो जाएगा, 4। ये मालूम है कि 4 साल बाद कितना आएगा, हाँ सर 157,352। तो क्या निकल सकता है, यस R इज इक्वल टू, अच्छे से करूं सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या हुआ तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना, ये डिवाइड हो जाएगा R, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई 157,352 ये डिवाइड 1,00,000, ये 4 हट के यहाँ पावर क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 2 बार स्क्वायर रूट, और ये प्लस 1 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 1। चेक कर लेते 157,352 डिवाइडेड बाय 1,00,000, कितने बार स्क्वायर रूट, 1, 2 माइनस 1 × 100, तो कितना परसेंट आ गया, 12%। सिंपल
अब एक बात समझने की कोशिश करो, और एक तरीका होता है आईआरआर निकालने का। ये कैसा आउटफ्लो है? ये सर ये है कैश इनफ्लो। एक्जेक्टली। तो बेटे इसको किस इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि जितना मेरा जा रहा है उस वही प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। बात को समझना। और इट मींस मैं एक सेंटेंस के हिसाब से काम करूंगा। वो सेंटेंस लिख रहा हूं, ये सेंटेंस आपने खूब पढ़ा हुआ आईपीसी आईआरआर इज अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच पहला पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ। बात एक ही है, दोनों इक्वल होना चाहिए, या फिर एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, जब ये दोनों इक्वल होगा तो एनपीवी जीरो हो जाएगा, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वन। ये तीन बातों में से कुछ भी, एक ही बात है तीनों की। तो आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जिसपे मैं कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग कर दूं तो मेरा एनपीवी जीरो आना चाहिए। ठीक है सर, इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर। देखो ये समझ में नहीं आता सर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या दूसरे अल्टरनेटिव से क्वेश्चन कर सकते हैं? यस। अब सुनना, इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। टारगेट क्या है? एनपीवी जीरो लाना। ये पैसा कब आने वाला? 34 साल में। कौन सा रेट ले कि एनपीवी जीरो आ जाए? सर कोई भी ले लो, मन से ले रहा हूं 10%। हम 10% से स्टार्ट करें, टेंशन ही खत्म। एक बार 10 से करो फिर सोचेंगे। टारगेट क्या है? एनपीवी जीरो लाना है। सपोज डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 10%, एनपीवी निकाल रहा हूं। एनपीवी हमको आना पीवीसी इज इक्वल टू पीवीसी 157,352। कौन से साल में आएगा? फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर का फैक्टर 10% का 1/1.10। 1, 2, 3, 4, 0.6830 माइनस क्या? 1,00,000। तो 157,352 इंटू 0.6830 माइनस क्या करे? 1,00,000। भगवान एनपीवी जीरो आ जाए। नहीं आया। एनपीवी आया 7,471। अब यार मुझे तो एनपीवी कम लाना है भाई, जीरो लाना है, तो इस पे तो बात नहीं बनी। तो डिस्काउंटिंग रेट अब क्या लेना पड़ेगा? इससे कम की ज्यादा? सर जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लोगे एनपीवी कम आएगा। यस। तो मुझे डिस्काउंटिंग रेट अब इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना लू की जीरो आ जाए? मन से ट्रायल एंड एरर। सर 12 ले लो बेटे, 12 में तो बात ही खत्म होगी। 12 पता है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। 15 ले लेता हूं। सुनो सर 20 ले लो बेटे, ज्यादा दूर नहीं जाना है, ऐसे में एरर ज्यादा आएगा। एक मन से कुछ भी, मतलब 5-5 का गैप मैं अलाउ करता हूं। तो चलो ठीक है, क्या करें? 15 ले लेते अगला वाला रेट। सपोज डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 15%, एनपीवी इज इक्वल टू 157,352 इंटू 15% 1/1.15 1, 2, 3, 4 0.5717 माइनस 157,352 × 0.5717 माइनस 1,00,000। ओहो इस बार तो एनपीवी नेगेटिव आ गया 1,00,042। पर मुझे नेगेटिव भी नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव भी नहीं चाहिए। तो अब कैसे करते हैं? ये हटा रहा हूं यहां से।
सुनना बिल्कुल ध्यान से देखना, जब मैं रेट लेता इंटरपोलेट बोलते इसको, जब हम रेट लेते हैं 10% रेट डिस्काउंटिंग रेट, तो एनपीवी आ जाता है पॉजिटिव में 7471। पर अगर हम रेट ले लेते हैं 15%, 5% बढ़ाते हैं, तो एनपीवी तो नेगेटिव आ जाता है, कितना 10042। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं रेट 5% बढ़ाता हूं, एनपीवी में चेंज हो जाता है। और एनपीवी कितना, पहले पॉजिटिव था, उससे जीरो और उससे भी कम, इसका मतलब जुड़ जाएगा ये, तो कितना डेविएट 7471 प्लस 10042 17513 का चेंज हो जाता, इतना डाउन हो जाता। जबकि एनपीवी मुझे कम जरूर करना, पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए भाई, मुझे जो एनपीवी लाना है वो जीरो लाना है। कितने का चेंज करवाना मुझे, 7471 का चेंज करवाना, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, अच्छे से समझ लो फॉर्मूला, तो पता नहीं कैसे याद कर लेते। जैसे ही मैं रेट बढ़ाता हूं, इतना एनपीवी आ जाता है, मुझे इतना चेंज नहीं करवाना, मुझे सिर्फ इतना चेंज करवाना। तो यूनिटरी मेथड याद है आपको, अगर मैं इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू करूं तो ऐसा होगा, भाई 10 तो लगेगा लगेगा। अब सुनना ध्यान से, यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं, 17513 चेंज होता है कितने परसेंट के चेंज में, 5% पे, तो 7471 इतना चेंज होता है 5% पे, तो इतना चेंज करने के लिए कितना परसेंट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई ये डिवाइड, 7471 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 17513, ये यूनिटरी मेथड होगी, 7471 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 17513, इसका मतलब ये आ गया 2.13। और पहले का कितना है, 10 तो लगेगा ही लगेगा, तो 10 प्लस 2.13 इज इक्वल टू 12.13% आएगा IRR। पर हम इसको ऐसे नहीं करते ट्रायल एंड एरर से, हम इसको यहां इस तरह से दिखाते हैं, देखो IRR 10 तो लगेगा ही लगेगा, तो यहां लिखते हैं 10 प्लस कितना चाहिए हमको 7471, कितना चेंज हो रहा है 17513 इंटू कितना 5, इट मींस सर ये तो वही हो गया, हाँ भाई हाँ वही हो गया, बस यहां कितना चेंज करवाना है, कितना चाहिए, और नीचे क्या आएगा, कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना आ रहा है नीचे, कितना चेंज हो रहा है, बस आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 12.13%। पर सर ये तो गलत है, आंसर तो 12% होना चाहिए ना, बट मेरी बात समझो, ट्रायल एंड एरर मेथड में, नाम ये ट्रायल एंड एरर, एक्यूरेसी नहीं आएगी, मतलब ये एक्यूरेट, इसमें तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा सर, तो ये चल जाएगा 0.25% तक वेरिएशन अलाउ है, इसका मतलब अगर आंसर है 12%, तो अगर आपका 12.25 आता है तो चलेगा, या फिर 11.75% आता तो भी चलेगा, उतना वेरिएशन अलाउ है 0.25%, तो यही थोड़ा सा वेरी होगा। तो सर हमेशा हम फिर इससे करेंगे, बेटे हमेशा इससे नहीं हो पाएगा, इसलिए तो मैं इस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इससे जब कैश फ्लो, ये तो कैश फ्लो कौन से ईयर में आ रहा, फोर्थ ईयर, जब कैश फ्लो हर साल आने लगेगा तो दिक्कत में पड़ोगे आप, ठीक है सर। चलो एक दो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर सारी बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करें। एग्जाम्पल
कैसा हो, आज पैसा जा रहा। कैश इनफ्लोस थर्ड ईयर में आएगा। क्वेश्चन मार्क, और मुझे मालूम है कितना परसेंट आना चाहिए, 14% आना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि 14% आना चाहिए। दो अल्टरनेटिव है, दोनों से करवा लो इस बार। अल्टरनेटिव वन, ये मेथड वन, कितना लगा रहे हो, 150,000। किस रेट पे, ये तो निकालना, पावर थ्री, 2 2 2 2 3 आर इसी 2 2 2 2 3 2 डिवाइडेड बाय 150,000 पावर 1/3 माइनस। इसको सॉल्व कर लेते, 2 2 2 2 3 2 डिवाइडेड बाय 150,000 तो ये बच्चा 1.4815 पावर 1/3 माइनस। सर इसको कैसे सॉल्व करोगे, डर्टी पावर। सर डर्टी पावर क्या है बेटे, इसके लिए तो मुझको मेरी बेसिक ऑफ फाइनेंस की क्लास देखना पड़ेगा। कोई भी पावर है सॉल्व किया जा सकता है। डर्टी पावर लगा रहा हूं 1.4815 स्क्वायर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय किया कि नहीं किया मुझे इंटू इक्वल टू कितने बार, 12 बार ये किया करवाया हूं मैंने। 1.4815 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1399 मतलब 1.14 माइनस 1 तो ये आ गया 0.14 या फिर IRR कितना आ गया। ये तो मेथड नंबर 1 हो गई, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2। हाँ क्या करें, 10% उठाते पहले IRR इज अ रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0। NPV निकालना हमको आता है, PVCI माइनस PVCI। तो पहले डिस्काउंटिंग रेट कितना ले रहा हूं मैं, 10%, और NPV निकाल देते कितना, 2 2 2 2 3 2 इंटू 10% का फैक्टर थर्ड ईयर का, 1 divided by 1.10 0.7513 माइनस क्या करोगे, 150। भगवान से प्रार्थना करो कि एनपीवी 0 आ जाए जो कभी नहीं आएगा। 2 2 2 2 3 2 इंटू 0.7513 माइनस 1,50,000 एनपीवी पॉजिटिव आया 169,63। अब डिस्काउंटिंग रेट कितना ले सकते हो, अब एक काम करते हैं डिस्काउंटिंग रेट ले लेते हैं 15%। मैंने कहा ना मैं 5% का गैप लिखते हुए चलता हूं। एनपीवी इसी 2 2 2 2 3 2 इंटू 1 divided by 1.15 0.6575 माइनस 1,50,000
2022 32 into 0.6575 minus 1,50,000। तो ये नेगेटिव आ गया, मुझे चाहिए ही था 382। अब लगा ट्रायल एंड एरर मेथड। यस, ट्रायल एंड एरर तो कर लगा लिया है, बस अब इंटरपोलेट करना है उसको। ठीक है सर, तो भाई 10% पर एनपीवी आ रहा है 16963 और 15% पर एनपीवी आ रहा है 3882 नेगेटिव और मुझे चाहिए 0। तो जैसे ही मैं रेट 5% बढ़ाता हूं तो एनपीवी में चेंज आ जाता है। और चेंज कितने का आता है, जुड़ेगा ये तो 16963 + 3882 ये आ गया 20845 पर मुझे चेंज करवाना 16963। IRR is equal to 10 plus कितना चाहिए 16963 कितना आ रहा है 20845 इंटू क्या करोगे 5 16963 डिवाइडेड बाय 20845 इनटू 5 प्लस 10 आंसर आ गया 14.06 और मैंने कहा इतना तो चलेगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 3 एग्जांपल करवाने थे, उसमें से 2 करवा दिए। अब ये हमारा लास्ट एग्जांपल, इसके बाद क्लास ओवर और इसके बाद सीधा बुक के क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, लिखोगे बेटे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लास्ट IRR का, ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन 1,00,000, लाइफ 3 years, कैश फ्लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 3 साल का कैश फ्लो मैं आपको दे रहा हूं। फिर आएगा 50,000 और फिर आएगा 30,000 और क्या निकालना हमको IRR क्वेश्चन मार्क। बस सर, अब इसमें कौन सी मेथड बिट्टे, एक ही मेथड लग सकती है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ओके सर, चलो तो स्टार्ट करते हैं। IRR इज अ रेट एट विच NPV is equal to 0। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्काउंटिंग रेट मैं ले रहा हूं 10%। NPV is equal to PVCI minus, अब मैं कोई फैक्टर वैक्टर नहीं ले रहा, मैं सीधा उठा रहा हूं भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 power 1 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 power 2 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 1.10 power 3 माइनस माइनस 1,00,000। तो बेटे एनपीवी आ रहा सिर्फ 225 रुपए। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो यार, 225 रुपए थोड़ा सा है तो मैं सीधा 15% नहीं ले लेता, मैं 11% से काम करके देख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.11 इक्वल टू एम प्लस 50,000, दो बार इक्वल टू एम प्लस 30,000, 1,2,3 एम प्लस एमआरसी आ जाएगा। अब
कॉमन सेंस लगा ना, पता लगा कि रट लिया नहीं, 5% डिस्काउंटिंग रेट में 11%, आप 12% भी ले सकते हो, पर आप अच्छे से जानते हो ज्यादा गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, 225 रुपए ही तो है एनपी 40,000 × 1.1011 power 1 प्लस 50,000 1.11 power 2 प्लस 30,000 1.11 power 3 माइनस कितना करोगे 40,000 / 1.11 = m + 50,000 दो बार इक्वल टू m प्लस 30,000 एक दो तीन m प्लस MRC माइनस एनपी भी नेगेटिव आ गए हैं 1447 10 पॉइंट थोड़ा सा कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव हो गया इंटरप्रेट कर लेते हैं 10% पर एनपीवी आ रहा है 225 पर जैसे ही मैंने 1% बढ़ाया तो ये नेगेटिव आ गया 1447 इसका मतलब मैं 1% अगर बढ़ाता हूँ रेट तो एनपीवी में चेंज हो जाता है 225 + 1447 1672 का चेंज हो जाता है जबकि मुझे एनपीवी जीरो लाना है मतलब 225 ही डाउन करवाना पड़ेगा आईआरआर आ गया 10 प्लस चाहिए 225 / 1672 × 1 225 / 1672 × 1 + 10 आंसर आ गया 10.13% दैट्स इट तो बेटे अब आप तैयार हो चुके हो बुक के क्वेश्चन के लिए तो अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस मजा आएगा करने बेसिक था आता था पर ठीक है मैंने आपको करवा दिया थैंक यू